अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को कांस्टेबल गाइड की मुलाजी जो है वो प्रीपेयर करवाने लगा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखें, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आप लोगों का। पैसे ज़ाया करने से अच्छा है कि आप स्टडी करें, स्टडी करके फिर इम्तहान में कामयाबी हासिल करें। लेट्स स्टार्ट। ख्वाब हुसैन और सौद, कुरान में ये दो अल्फाज लफज किस सूरह में मशहूर हैं? ऑप्शन ए, ये सूरह नजम में जो है वो मरकूज है। टू, एम सी क्यू, सूरह कौफ कुरान मजीद में कौन से नंबर की सूरत है? ऑप्शन डी 50। नेक्स्ट 3 MCQs। कुलसिया कम काम अरब मुसलमानों और दूसरी कौन सी कौम के दरमियान पहले मारका का मैदान था? ऑप्शन बी ससानियू। नेक्स्ट 4 MCQs। सूरत कारिया जो कुरान मजीद में 101 नंबर की सूरत है, अल कारिया ये जो सूरत है में कुल कितनी आयात है? ऑप्शन जो है वो सी, इसमें 11 आयात है। नेक्स्ट 5 MCQs। कार्दन जो जो तौरात का बेहतरीन कारी और बेपनाह दोस्त रखता था, किस कुरानी सूरह में इसका जिक्र तफसील से बयान किया गया है? 5 ऑप्शन डी है, सूरह कसस में जो है इनका जिक्र है। 6 MCQs। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजार शरीफ कहाँ वाक़िया है? ऑप्शन सी, ये ताइफ में वाक़िया है। 7 MCQs। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक कर दें। कानत जिसके माना फरमा बरदार और आजिजी करने वाला है, वाला के हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 120 में किन पैगंबर के नेक खसाइल का जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट 8 MCQs। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मस्जिद कुबा किस मुकाम पर है, जहां हुज़ूर सल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत करते हुए क़याम फरमाया था? ये क़याम कितने दिनों का था? 14। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 9 MCQs। वो कौन सी मस्जिद है जिसमें एक महराब का रुख बैतुल मुकद्दस और दूसरी का कबतुल्लाह की जानब है? ऑप्शन बी, मस्जिद कबलतैन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 10 MCQs। सूरह कद्र इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र कुरान मजीद में किस नंबर की सूरह है? ये ऑप्शन सी 97 नंबर की पर जो आती है ये सूरह। नेक्स्ट 14 MCQs। कुरान मजीद की पहली मंजिल में कौन सी सूरतें नाजिल हुई? ऑप्शन ए, सूरह फातिह अन्निसा तक। नेक्स्ट 12 MCQs। कुरान मजीद में आयत वादा कितनी है, आयत वादा जो है वो कितनी है? ऑप्शन सी 101। नेक्स्ट 14 MCQs। किताबत वही की सआदत सबसे पहले किसके सामने आई? ऑप्शन सी, हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट 15 MCQs। कुरान मजीद में आयात तहरीम की कुल तादाद कितनी है? ये 250 है। ऑप्शन बी 16 MCQs। फतहात ज़बर की कुरान मजीद में कितनी तादाद है? 53,223 जो है वो ज़बर की कुरान मजीद में तादाद है। 17 कसरात ज़ेर की कुरान मजीद में कितनी तादाद है? 39,582 जो है वो ज़बर आई है कुरान मजीद में ज़ेर। नेक्स्ट 18 MCQs। कुरान मजीद की कितनी सूरतें बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती हैं? एक ही सूरत है, सूरह अज़ाब आई थिंक, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 19 MCQs। कुरान मजीद में हजरत हूद अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मरतबा आया है? ऑप्शन बी 2, दो मरतबा। 20 MCQs। कुरान मजीद में जमानत कितनी जगहों पर इस्तेमाल होती है? ऑप्शन ए 8,804 जगहों पर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट 21 MCQs। कुरान मजीद में आयात वाईद की कुल तादाद कितनी है? 21 MCQs। ऑप्शन सी है, सूरह कसस, सॉरी यहाँ पर 21 से उन्होंने आगे जो है वो मिस्टेक की हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं 34। कुरान मजीद की सूरह नंबर 54 जो कि मक्की सूरत है और कुर्ब क़यामत के बारे में खबर देती है का नाम क्या है? ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर, सूरह अल-क़मर। 35 दहरी बेरा किस खलीफा राशिद के दौर में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनवाया था? ऑप्शन ए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट 36 नमाज जनाजा में कुल कितनी तकबीरें हैं? ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट 39 MCQs। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल की बुनियाद कब रखी? उन्होंने 15 हिजरी को बैतुल माल की बुनियाद रखी। 38 कौन सी सूरह में बिस्मिल्लाह दो बार आती है? सूरह नमल, सॉरी ऑप्शन सी आएगा यहाँ पर, सूरह नमल में आती है। नेक्स्ट 39 MCQs। हिजरी कैलेंडर का आगाज किस खलीफा राशिद ने किया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरी कैलेंडर का आगाज किया।
40 एमसीक्यू। राम जी में कुल कितने रुकू हैं? 558 रुकू हैं। बाद कतों में जो है वो तदाद 540 बताई जाती है। 41 एमसीक्यू सूरह हज़ाब में किन सहाबी का नाम आया है? ऑप्शन ए हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 42 कुरान मजीद में मस्जिदुल हराम के नाम से किस मुकद्दस इमारत को पुकारा गया है? ऑप्शन सी खाना काबा को। 43 वो पहाड़ जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, उस पहाड़ का नाम क्या है? उस पहाड़ का नाम कोहे तूर है। नेक्स्ट 44 एमसीक्यूज जंगे तबूक का वाकया कब पेश आया? ये 9 हिजरी को जंगे तबूक का वाकया पेश आया था। 95 एमसीक्यूज ज़ुल्हिज्जा इस्लामी साल का कौन सा महीना है? ऑप्शन बी है आखिरी। नेक्स्ट 46 एमसीक्यूज अल-खमीस का क्या मतलब है? इसका मतलब ऑप्शन जो है वो ए है हफ्ता। 46 ऑप्शन जो है वो बी है सॉरी जुमेरात। नेक्स्ट 47 एमसीक्यूज रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? नौवां। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 48 एमसीक्यूज रबीउल सानी इस्लामी सन का कौन सा महीना है? ऑप्शन ए चौथा। नेक्स्ट 49 एमसीक्यूज इस्लाम में पहले किस महीना में लड़ाई ममनू थी सफर में सफर? नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज चोरी की सजा हाथ का काटना है, इस हद शरी को क्या नाम दिया गया है? हद शरका। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 51 इस्लाम का तीसरा अहम रुकन कौन सा है? तीसरा जो है वो रोजा है रुकन। 52 सफा उमरवा कहाँ की दो पहाड़ियों के नाम है? 52 आप लोगों को पहले मैंने बताया हुआ है ये मक्का की मक्का में पहाड़ी है सफा उमरवा, वहाँ पर हाजी तवाफ करते हैं। 53 एमसीक्यू दरमियान में 53 एमसीक्यूज बाबुल कुरान किस सूरा का सूरा को कहा गया है? ऑप्शन बी सूरह फातिह को बाबुल कुरान कहा गया है। 54 रूहुल कुरान किस सूरा को कहा गया है? आप लोगों को पता ही है सूरह यासीन को। 55 वाकया मराज का जिक्र कुरान मजीद की किन दो सूरतों में है? ये सूरह बनी इसराइल और सूरह नजम में है। 56 कुरान मजीद में पहला सजदा तिलावत कौन से पारा में है? ये पारा नौवें पारे से शुरू पारे में है पहला सजदा। नेक्स्ट 97 एमसीक्यूज 57 एमसीक्यूज कुरान मजीद में कुल कितनी आयात है? ऑप्शन ए 6236 आयात है। नेक्स्ट 58 एमसीक्यूज कुरान मजीद में नमाज की तकीद कितने मकामात पर की है? 700 मकामात पर, 700 मकामात पर। 59 कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र किन पैगंबर अलैहिस्सलाम का आया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज्यादा बार आया है। कुरान मजीद की किन दो सूरतों को मौज तीन कहा जाता है? आखिरी दो को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 61 एमसीक्यूज इस्लाम में सबसे पहला जुमा कब अदा किया गया? ये किया गया था फर्स्ट हिजरी को। नेक्स्ट 62 एमसीक्यूज कुरान मजीद के पहले हाफिज कौन से सहाबी थे? ऑप्शन सी है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 63 एमसीक्यूज मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली अजान कब दी गई? ऑप्शन सी 4 हिजरी को। 63 एमसीक्यूज ऑप्शन सॉरी बी है 63 का जो मैंने पढ़ लिया, 64 जो है वो ऑप्शन ए है। 63 का ऑप्शन बी, 64 का ऑप्शन ए, 4 हिजरी। नेक्स्ट 65 मुस्लिम खवातीन पहली मरतबा किस जंग में शरीक हुई थी? ऑप्शन ए है जंग उहद में। 66 मस्जिद जिन किस शहर में वाकया है? ये मक्का में वाकया है। 67 एमसीक्यूज कुर्बानी का हुक्म किस सन हिजरी में दिया गया? ऑप्शन सी, ऑप्शन जो है सी है 2 हिजरी को। 68 एमसीक्यूज नमाज जुमा की कुल कितनी रकात है? ऑप्शन बी 14। नेक्स्ट 69 एमसीक्यूज नमाज ईशा में कुल कितनी रकात है? 17। तदवीन हदीस के इब्तदाई दौर में सहीफा सादका किसने मरतब किया था? ऑप्शन बी हजरत अब्दुल्ला बिन उमरों ने जो है वो मरतब किया था। 71 एमसीक्यूज हजरत जुवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा हजरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खानदान के कितने गुलाम आजाद किए? ऑप्शन बी 700। नेक्स्ट 72 हजरत हुज़ूर सल्लम के इंतकाल के वक्त हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कितनी उम्र थी? ऑप्शन ए 7 साल। 73 कुरान मजीद की सूरह सफ की किस आयत में हुज़ूर सल्लम का नाम अहमद आया है? 73 ऑप्शन सी आयत नंबर 6 में। नेक्स्ट 74 एमसीक्यूज फतह मक्का के मौके पर पहले मुसलमान होने वाले मर्द कौन थे? 74 एमसीक्यूज ऑप्शन ए है अबू सुफयान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन हारिस। नेक्स्ट 75 उस अजीम मुसलमान जर्नैल का नाम बताएं जिसने सारी उम्र जहाद किया मगर शहादत ना मिली, उनका नाम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। 76 आयतुल कुर्सी कुरान मजीद में किस पारे में आती है? ऑप्शन बी तीसरे पारे के शुरू में आती है। 77 एमसीक्यूज शब्बीर किन का लकब था? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। नेक्स्ट 78 सबसे ज्यादा हदीस किन सहाबी रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है? सबसे ज्यादा हदीस मरवी है
78 ऑप्शन बी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हालत है वो मरवी है उनसे कि उन्होंने सुना नबी वसल्लम से। नेक्स्ट 79 विरासत का कानून कब नाजिल हुआ 79 एमसीक्यूज ऑप्शन डी है 3 हिजरी को। नेक्स्ट एटीएम्स की मुआखात के क्या माना है मुआखात के माना भाईचारे के हैं। 91 एमसीक्यूज फजर की अजान में सलातु खैरुम मिनन नौम के कलमात का इजाफा किसने किया ऑप्शन डी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने ये इजाफा किया था सलातु खैरुम मिनन नौम। 82 एमसीक्यूज दोजख के कितने तबकात हैं ऑप्शन बी 7 82 ऑप्शन बी। नेक्स्ट 83 एमसीक्यूज शाने करबला किस सन में हिजरी में हुआ 8वीं हिजरी में ये शाने करबला हुआ था 83। नेक्स्ट 84 एमसीक्यूज पहली अजान हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस की तजवीज किसने पेश की हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पेश की थी तजवीज। 85 जमीन पर पहला दरख्त कौन सा था जमीन पर पहला दरख्त जो था वो खजूर का था। 86 एमसीक्यूज सन हिजरी किस सन ईस्वी में शुरू हुआ ये ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर 622 सन ईस्वी में सन हिजरी जो है वो शुरू हुआ। नेक्स्ट 87 एमसीक्यूज फारूक अली तो हजरत सल्लम का ये इसमें ग्रामी किस मजहबी किताब में है 87 एमसीक्यूज ऑप्शन सी अंजील में। नेक्स्ट 88 गमगीन ना हो खुदा हमारे साथ है हजरत सल्लम ने ये अल्फाज हिजरत के मौके पर किन सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहे थे ये अल्फाज उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहे थे। 89 एमसीक्यूज नेक्स्ट हज में अगर कोई गलती हो जाए तो क्या किया जाता है ऑप्शन डी एक बकरे की कुर्बानी दी जाती है। 90 एमसीक्यूज वो कौन से पैगंबर है जो अभी जिंदा है ऑप्शन डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अभी जिंदा है। 91 एमसीक्यूज चोरी पर हाथ काटने की सजा कब जो है मुकर्रर की गई थी ऑप्शन ए 8 हिजरी को। 92 एमसीक्यूज सुलह हुदैबिया किस सन हिजरी को हुई 6 हिजरी को ऑप्शन बी 92 ऑप्शन बी। नेक्स्ट 93 एमसीक्यूज सूद किस सन हिजरी में हराम करार दिया गया ऑप्शन सी 9 हिजरी को। नेक्स्ट 94 एमसीक्यूज किन पैगंबर को आदम सानी कहा जाता है ऑप्शन बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। 95 एमसीक्यूज ये हो गया। नेक्स्ट 95 एमसीक्यूज आन हजरत सल्लम ने कब हिजरत फरमाई उन्होंने 1 हिजरी को हिजरत फरमाई। नेक्स्ट 96 इस्लाम में कितनी हदूद पर सब का इत्तेफाक है ऑप्शन सी 5 जो है हदूद पर इत्तेफाक है। 97 एमसीक्यूज शराब नोशी पर कौन सी शरी हद लगी है 97 एमसीक्यूज ऑप्शन बी हद कमर खमर। नेक्स्ट 98 एमसीक्यूज हदर जम किस जुर्म की शरी सजा है हदर जम 98 ऑप्शन ए है शादीशुदा जानी मर्द या औरत की जो है ये सजा है हदर जम। नेक्स्ट 199 नमाज तरावी नमाज वितर की कुल कितनी रकात है 99 एमसीक्यूज ऑप्शन सी है 3 पहले भी जो है दोस्तों ये बोल गया था शायद मैं। नेक्स्ट 100 एमसीक्यूज जब कोई सफर में हो तो जोहर असर ईशा की फर्ज रकात में से 4 की बजाय कितनी जो है रकात पढ़ सकता आधी पढ़ सकता है वो 100 ऑप्शन बी फजर की जो है वो पूरी पड़ेगा जोहर की 2 पड़ेगा असर की 2 पड़ेगा मगरब की आई थिंक 3 पड़ेगा ईशा की जो है वो 2 आई थिंक जो है वो पड़ेगा इनका मुझे नहीं इलम जो है बकाया मैंने बता दिया कन्फर्म है। 101 एमसीक्यूज नमाज तरावी कब पढ़ी जाती है ऑप्शन ए ये रमजान मुबारक में ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। 102 एमसीक्यूज फर्ज कफाया क्या है ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर मैयत की नमाज जनाजा पढ़ना फर्ज कफाया। 103 एमसीक्यूज वाकई मराज किस इस्लामी तारीख को पेश आया 27 रजब को। 104 एमसीक्यूज किस नमाज की तीसरी रुकत में दुआए कनूत पढ़ी जाती है नमाज ईशा सॉरी नमाज की तीसरी रकत में दुआए कनूत पढ़ी जाती है